स्टूडेंट्स द सेम टॉपिक आई एम टेकिंग फॉर डिस्कशन विच इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लासेस बट इट इज़ नेसेसरी फॉर दोज हु डिड नॉट हु आर अनेबल टू अटेंड द ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर दोज हु हैड अटेंडेड द क्लासेस बिकॉज it is a type of revision for them. So take the debate over the merits of democracy. Yolanda ji says we live in a democratic country. We read in the last chapter that all over the world people want democracy. Countries that were not democratic earlier are becoming democratic now. All great people have said nice things about democracy. Isn't it obvious that democracy is the best? She says, so we need to debate this. Volanda is saying that gradually, step by step, from we see that in most of the countries democracy has been set up, means it is liked by most of the countries. It means to say that it is the best government, best form of government. Why it is best form of government? It is very much necessary to discuss upon. Tankini says, but Lingdo madam had said we should not accept something just because it is famous. वो पता नहीं, देखिए अभी लिंगदो मैम ने कहा कि किसी चीज़ को हमें केवल इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर लेनी चाहिए कि वो बहुत फेमस हो गई है. जस्ट एज वी सी सम प्रोडक्ट्स बींग ad is being given by some celeb and it becomes famous, that is why, and we start consuming it, but it is not good to do. In the same manner she says that we should not accept anything because it has got name and fame just because everyone else accepts it. इसलिए हमें इसे स्वीकार करना चाहिए क्योंकि तमाम लोगों ने इसे स्वीकार किया, हर आदमी ने. Isn't it possible that everyone is following a wrong path? कि अगर वो चीज़ फेमस है, सारे लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बात तो कहीं नहीं कि लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं. यस जेनी सेज इट एक्चुअली इज अ रॉन्ग पथ. व्हाट हैज डेमोक्रेसी ब्रॉट टू अवर कंट्री? मोर देन हाफ अ सेंचुरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर इज सो मच पॉवर्टी इन द कंट्री. ये बोल रही है मैडम कि कोई 50 साल से ज़्यादा हो गया डेमोक्रेसी हमारे यहाँ सेटअप हुए, इवन देन वी आर लिविंग इन मच पॉवर्टी. रिबियन सेज बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? व्हाई यू आर ब्लेमिंग फॉर डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बीइंग पुअर? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक? क्या पॉवर्टी इसीलिए है क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? या कि डेमोक्रेसी के होते हुए भी हम पुअर हैं? दोनों दो बातें. जेनी सेज व्हाट एवर हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? The point is that this cannot be the best form of government. जेनी साहब भी कह रही हैं कि कोई भी बात
लेकिन एक बात तो तय है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट शाउज। क्या होता है, एवरीवेयर देयर इज हल्ला बल्लू इन डेमोक्रेसी। इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता दिखाई देती हर जगह पे। करप्शन इज, करप्शन प्रीवेल्स एवरीवेयर एंड हाइपोक्रेसी इज देयर। पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स, व्हाई, हु केयर्स फॉर द कंट्री। जब पॉलिटिशियन खुद आपस में लड़ रहे हैं तो उनको देश की चिंता का जी। पायमोन, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड। तो फिर बताइए भाई क्या रास्ता निकाला जाए। गो बैक टू द ब्रिटिश रूल देन, इनवाइट सम किंग्स टू रूल दिस कंट्री। इसका मतलब हम चले जाएं सीधे मोनार्की पे। रोज, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट दिस कंट्री नीड्स इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। मुझे तो पता नहीं, लेकिन एक चीज है कि डेम वन मैंस रूल विल बी बेटर फॉर दिस कंट्री। Someone who does not have to bother about elections and parliament. There should be rule of a single person, where there should be no parliament, there should be no elections. To load heavy expenses upon the country. See, one leader should have all the powers. All the powers of the government should vest in a single hand. He will be able to do whatever is needed in the country. Interest, देश के हित में जो जरूरी होगा सारा कुछ वो अकेले करेगा. That alone can remove corruption and poverty from this country. ये मैडम कह रही हैं कि वो अकेला सब कुछ कर लेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, आम त्वाम सर्व पापे विमोक्षे स्यामि मा शुचिः। कि नो अदर गवर्नमेंट इज बेटर एक्सेप्ट द डिक्टेटरशिप और सिंगल मैन्स रूल। शी इज सेइंग, Someone shouted, "Hey, that's called dictatorship." Oh no, it is called dictatorship. What is that person starts using all these powers for himself and his family? What will happen if he starts ruling over only for the sake of his own men? जी, वॉट इफ इज करप्ट हिमसेल्फ, अगर खुद ही भ्रष्ट हो जाए तो वॉट विल हैपन देन। आई एम स्पीकिंग ओनली ऑफ द ऑनेस्ट सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। ती रोज महोदय कह रही हैं कि भाई मैं एक बहुत ही ईमानदार सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर की बात कर रही हूँ। वो शी इज एक्सप्रेसिंग फॉर an ideal person, जी, but that is not a fair. तो भाई मोदे कह रहे हैं भाई it's not good. You are comparing a real democracy to ideal dictatorship. एक आदर्श तानाशाही का comparison आप यथार्थ दुनिया में पाए जाने वाली democracy से कर रही हैं मैडम। We should compare an ideal with an ideal, not real to ideal. And go and check the record of the dictators in real life. हर जगह पे जहाँ भी डिक्टेटरशिप रही हुई वहाँ के रिकॉर्ड आप देखिए उनके, उठा के। They all have done all the functioning for themselves and for their own family members. They were mostly corrupt, selfish and brutal. Okay, कुछ भी उन्होंने public के interest में नहीं किया, वो सब corrupt रहे,
सेल्फिश रहे, और ये कि दे एडॉप्ट क्रुएल्टी टू एडॉप्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड सेल्फिशनेस टू प्रैक्टिस करप्ट प्रैक्टिसेस एंड सेल्फिशनेस दे आर मोस्ट करप्ट सेल्फिश एंड ब्रूटल इट इज जस्ट दैट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस एंड व्हाट इज वर्स यू कैन नॉट इवन गेट रीड ऑफ दैम. सबसे गड़बड़ बात तो ये है कि आप उनके चक्कर में फंसे एक बार तो उनसे छुटकारा मिलना ज़रा मुश्किल होगा. लिंक दो वॉज लिसनिंग टू द डिस्कशन विद इंटरेस्ट नाउ शी स्टेप्ड इन. आई वॉज डिलाइटेड टू सी ऑल आर गोइंग सो पैशनेटली. इतने प्यार से आप जो डिस्कस कर रहे हो वो सब सुन के मैं बड़ी खुश हूँ. आई डोंट नो हु इज राइट हु इज रॉन्ग दैट इज फॉर यू टू सेटल. भाई समझौता खुद से करो, कम टू सम रिजोल्यूशन बाई योर सेल्फ. बट आई डिड फील दैट यू ऑल वॉन्टेड टू स्पीक योर माइंड. लेकिन आप सारे लोग, एक बड़ी अच्छी बात है कि आप सारे लोग इस मैटर में अपना दिमाग खा पा रहे हैं. यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राइड टू स्टॉप यू और इफ समवन पनिश्ड यू फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट. ओके, आपको तब बुरा लगा जबकि कोई आपको स्टॉप करने की कोशिश की, आपको पनिश करने की कोशिश की जो आप फील कर रहे हो. वुड यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक? इज दैट अ गुड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी? आप जरा उनके विषय में सोचिए जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है. तो क्या आप जितना भी किया गुड आर्गुमेंट था डेमोक्रेसी के विषय में? ओके, इसके बाद हम आगे कल चर्चा करेंगे. दैट्स ऑल फॉर यू टुडे. थैंक यू. यू हैव टू डू फाइंड आउट सम क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स बाय योर ओन.